धनतेरस के पर्व पर सजे हुए हैं बाजार। घर में लाओ आज कुछ नए नए उपहार। झालर दीपों से सजे आज सभी के गह। मन के नब से आज तो बरसे मधुरम ने है। नमस्कार, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। धनतेरस से दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस का दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के आशीर्वाद पाने से पहले धनतेरस पर भगवान धनवंतरि और भगवान कुबेर की पूजा करना भी जरूरी होता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कोई परेशान है, कोई बीमारी से पीड़ित है, तो किसी को व्यापार में घाटा हुआ है, तो इस बार धनतेरस को कैसे बनाना चाहिए और कैसे खास बना सकते हैं, क्योंकि कई साल बाद धनतेरस पर बन रहा है अद्भुत संयोग जो आपको रखेगा सेहतमंद और करेगा मालामाल। तो कैसे करें भगवान धनवंतरि और भगवान कुबेर की पूजा, ये बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आचार्य जी। सबसे पहले तो धनतेरस का महत्व क्या होता है यही जानना चाहूंगी। क्यों इस पर्व को खास माना जाता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इस बार क्या शुभ संयोग बन रहा है जिससे कि मालामाल हो सकते हैं लोग? जी बिल्कुल, धनत्रयोदशी की सबसे पहले तो न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन और आपके पूरे परिवार के साथ समस्त दर्शकों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति माता लक्ष्मी, कृपा आप सब पर बनी रहे, यही शुभकामना है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। ऋषि धन्वंतरि आप सभी के जीवन में शरीर की आरोग्यता उत्पन्न करे, परिवार के साथ प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करें, यही भगवान से प्रार्थना। और मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज स्टेट का कि आप सब तक घर पहुँचे हुए इतनी सुंदर जानकारी जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में वास्तविकता में हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं किस प्रकार कौन से त्यौहार को सेलिब्रेट करना है, कौन से त्यौहार को किस प्रकार से मनाना है, किन चीज़ों का किस प्रकार से ध्यान रखना है, किस प्रकार देव आराधना करनी है, किस प्रकार लक्ष्मी जी का पूजन करना है। बहुत सारी इन बातों से शायद हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। और साधारणतया ऐसा है कि बहुत सारी जगह जो सोशल मीडिया इत्यादि पर शायद कई बार ऐसी नॉलेज मिलती है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज स्टेट का जो आप सभी को घर पहुँचे इतनी सुंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर देखा जाए धन्वंतरि धनत्रयोदशी की बात की जाए या धन्वंतरि ऋषि के आज उत्पत्ति की बात की जाए, शायद ये जो दिन है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा एक विचार है। आप सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस के कार्य से भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, जैसा कि अभी बताया आपने। सो मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग एक बार हाथ जोड़ करके आदिशक्ति माता लक्ष्मी का स्मरण कर लें, ताकि आप अपने घर में बैठे हुए इस प्रोग्राम के माध्यम से आप नहीं पूजा कर पा रहे हैं, नहीं विधियों का पालन कर पा रहे हैं, तो भी एक बार लक्ष्मी जी का श्रद्धा से स्मरण कर लें, ताकि लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसे। एक बात ध्यान रखिए, हम लोगों ने यहाँ आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की है, इसीलिए सारी व्यवस्था की गई। हम लोग साधारणतया बैठ करके भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई ताकि आप लोगों को उसका लाभ। आचार्य जी, रोकना चाहूंगी यहाँ पर। हमारे साथ भी यहाँ पर हमने सारी व्यवस्था की हुई है और माँ लक्ष्मी भी विराजमान है। माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करते हैं ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन हार भी चढ़ाया जाता है। मैं चाहूंगी आप भी यहाँ पर हार चढ़ा दीजिए और साथ ही बताइए कि किस तरीके से पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की इस त्योहार पर। मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आदिशक्ति की आराधना करें, आदिशक्ति की पूजा करें। और हमारे पास सुंदर कमल का पुष्प है जो माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है, एक सुंदर कमल का पुष्प हमने यहाँ पर व्यवस्था करके रखा है। देखिए, मेरा विचार है कि मन का हार, आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बात कही थी, शास्त्र के अंदर का बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान को आप वैसे ले जा करके क्या प्रदान कर सकते, क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप मन से भी, मानसिक पूजन का वर्णन आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो यदि मन से भी आप भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से उसको स्वीकार करते हैं। तो आप वहाँ बैठे बैठे मन में ये इस प्रकार का संकल्प कीजिए कि आदिशक्ति को हम हार अर्पण कर रहे हैं और माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय कमल का पुष्प आप सबकी तरफ से न्यूज स्टेट ये प्रदान करने जा रहा है। ये पुष्प आपके द्वारा ही, समझ लीजिए, आप दर्शन कर रहे हैं ये आपके द्वारा ही है, हम श्रद्धा से अर्पण कर रहे हैं। आप इसको अपने मन में स्वीकार कीजिए और माता लक्ष्मी से अपने लिए प्रार्थना कीजिए, माता लक्ष्मी इसको स्वीकार करेंगी। ओम श्री शते लक्ष्मी शपत्याम बहोरात्रि
पार्श्वे नक्षत्रनिखाणां मुम्बहिखाणां सर्वलोकं महिखाणां मां मां लक्ष्मी देव्यै नमः। तो हमने यहाँ पर हार की जगह माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय कमल का पुष्प प्रदान किया है। जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए, माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प तो हमने चढ़ा ही दिया है जो कि बेहद ही उनका प्रिय माना जाता है। सवाल कई हैं मेरे मन में, त्योहार बेहद खास है, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं ये भी आपसे आचार्य जी जानना चाहूंगी, धनतेरस धन का त्योहार हम कहते हैं और कहते हैं कि इस दिन बर्तन खरीदना शुभ होता है, कई वस्तु खरीदे जाते हैं, लेकिन खरीदारी का इतना क्रेज है तो क्या खरीदना सबसे शुभ रहता है? लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, यही नहीं समझ पाते कि क्या खरीदे। सबसे पहले देखिए, एक चीज हम सबको ध्यान रखना होगा कि बर्तन खरीदना ये त्योहार सिर्फ धन को लेकर के ही नहीं है, और मेरे विचार से धन सिर्फ पैसा ही नहीं है। सब ये सोचा जा सकता है, हम धन जब भी धन की बात आती है तो हमारे विचार से आता है कि धन सिर्फ पैसा हो सकता है, लेकिन भागवत का एक सुंदर श्लोक है, अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा। शरीर की आरोग्यता को शास्त्र में सबसे बड़ा धन कहा गया है। सो जो धन त्रयोदशी है वो सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि आरोग्यता को प्राप्त करने का सबसे सुंदर दिन है। धन त्रयोदशी के दिन आदिशक्ति लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, लेकिन उसके साथ अमृत कलश लेकर के, जैसा कि यहाँ पर धन्वंतरी ऋषि का स्वरूप अमृत कलश आप सभी के सामने उपस्थित है, तो अमृत कलश लेकर के ऋषि धन्वंतरी जो कि विष्णु जी के स्वरूप हैं उनका भी प्राकट्य हुआ था। आप सबको बताना चाहता हूँ कि धन त्रयोदशी के दिन यम के लिए दीपदान किया जाता है जिससे कि परिवार में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो, दुर्घटना इत्यादि ना हो, इसके लिए पूरी तरह से यम के लिए दीपदान भी किया जाता है। शरीर आरोग्यता के लिए धन्वंतरी ऋषि की पूजा की जाती है और आदिशक्ति लक्ष्मी जी को अपने घर में आवाहित करने के लिए इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग शायद जानते हैं कि शास्त्र ये कहता है कि इसी दिन यानी जो दीपावली का एक पंच दिवसीय कार्यक्रम होता है, वो पंच दिवसीय कार्यक्रम जो है वो इसी दिन से धन त्रयोदशी से ही प्रारंभ होता है। इस दिन ही जो बर्तन खरीद के लाया जाए, देखिए स्वर्ण इत्यादि खरीदने की प्रक्रिया, चांदी इत्यादि खरीदने की प्रक्रिया, मुझे लगता है ये शायद बाद में लेकर के आया गया है। ये अगर हम पुराणों में जाकर के देखें, इतिहासों में जाकर के देखें, धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जाकर के देखें, तो शायद कहीं ना कहीं सिर्फ ये वर्णन नहीं था कि आप स्वर्ण खरीद करके लाएं या चांदी खरीद करके लाएं। ये तो एक बड़ा डिफरेंट विषय हो गया, एक बहुत परिवर्तित विषय हो गया कि जिस व्यक्ति के घर में इतना धन नहीं है कि स्वर्ण खरीद पाए या चांदी खरीद पाए या वो स्टील के बर्तन खरीद पाए, तो क्या उसके घर लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा, क्या वो धन त्रयोदशी नहीं माना सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शास्त्रोक्त विधि यह है कि धन त्रयोदशी के दिन से ही घर में लक्ष्मी का जो आगमन, क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था तो उनके आगमन का समय प्रारंभ होता है। आपको क्या करना चाहिए, जो बर्तन दीपावली में पूजा के लिए आपको प्रयोग करना होता है वो बर्तन आपको इसी दिन खरीदना चाहिए। वही धीरे धीरे परिवर्तित होते होते स्वर्ण और चांदी और बाकी आभूषणों के अंतर्गत चला गया। तो जो बर्तन दीपावली को पूजन में प्रयोग करना है, जो गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपको दीपावली में पूजन के लिए प्रयोग करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि जो किसी के घर में चांदी की प्रतिमा है तो क्या उसका प्रयोग किया जाए, ये सब शायद हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जो पूजा के लिए आपको बर्तन प्रयोग करना है, सफाई के लिए धन त्रयोदशी को झाड़ू खरीदने का बड़ा नियम है, तो जो सफाई के लिए आपको जो वस्तुएं उपयोग करना है, झाड़ू खरीदना है, पोछा खरीदना है, दीपावली पूजन के लिए मूर्ति खरीदना है, दीपावली पूजन के लिए बर्तन खरीदना है, वो सारी सामग्रियां आज ही यानी धन त्रयोदशी के दिन खरीद करके लाना चाहिए और उसी को पूजन में विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है, मैं फिर एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि आप अगर स्वर्ण नहीं खरीद पाते हैं, आप चांदी नहीं खरीद पाते हैं, तो आपको उदास होने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत है कि आदिशक्ति की कृपा, माता लक्ष्मी कृपा हमको प्राप्त हो पाएगी या नहीं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं है। आज इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि क्या लक्ष्मी जी को जो पुराने गणेश लक्ष्मी हैं घर में उनको रखना चाहिए या नए खरीद करके लाना चाहिए, उनकी पूजा करनी, ये बहुत सारे विषय हैं। यम का दीपदान भी इसी दिन किया जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो विषय है हम सब उस पर बात करेंगे जी।